कब्र में जा चुका है हमारे कब्र में, तुझे कब्र में मैं पहुंचाऊंगा, इधर आ, इधर आ, तुझे कब्र में साले, तुझे कब्र में इधर आ, अच्छा भाई रुक जा, साले तुझे कब्र में मैं पहुंचाऊंगा, चल इधर, साले बाप को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप बोल क्यों रहे हो, ये कौन है, ये कौन है, उसका बाप है, तेरा क्या है भाई, रुक जाओ आराम से बैठ के भी तो बात कर, तेरा कौन है, पागल कुत्ते की तरह फोन करे जा रहा हूँ, दिमाग खराब कर दिया है मेरा, तो क्या करूँगा बताओ, घर पे आराम करोगे, क्या करोगे, तो आराम तो करते ही, देखो तुम्हारे को जहाँ जाना है जाओ, हमारे नाम प्रॉपर्टी कर दो, बात खत्म है, ठीक है ना, तुम जाके मरो गलो कुछ भी करो, मेरे को क्यों कर दूँ बेटा, ये बताओ अभी तो तुम्हारे को दिया था पैसे में रिटायरमेंट को, मेरे को अभी 3 महीने तो हुए हैं मेरे को रिटायरमेंट हुए, एहसान कर दिया क्या, एहसान मैं कहाँ जाऊँ, 25 लाख रुपए देके एहसान कर दिया, 25 लाख रुपए देके एहसान कर दिया, अपने बेटे को अपने औलाद को ही तो दिया है, दिया तो काम करो ना, जुआरी हूँ या शराबी हूँ, काम करने बिजनेस करने के लिए तो लिया है मैंने पैसा, मैं अगर तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दूंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, अभी 3 महीने तो हुए मेरे को, कहाँ जाओगे, मैं भी तो तुम्हारे बदौलत हूँ ना तुम्हारे घर में, मेरे नाम पे तो कुछ है नहीं, कुछ है तो, ये बताओ, वो तो तुम दोनों संभालो ना उसको, तो संभाल ही तो रहे, तो कर दो ना नाम, कर दो बेटे के, कौन से सासे अटकी हुई है कब्र में, लेकिन पैसा लेके छाती पे रख के जाना है, समझ में नहीं आ रहा क्या, तो मैं जाऊंगा कहाँ, साला दिमाग खराब कर दिया, नहीं करना, देना है या नहीं देना ये बताओ, अभी नहीं दे रहा मैं किसी को, मैं नहीं दे रहा अभी किसी को, नहीं हाथ उठा, नहीं देगा, नहीं दे रहा, नहीं देगा, अभी भी नहीं देगा, नहीं नहीं देगा, देना तो पड़ेगा, समझा ले अपने बाप को, ठीक है ना, हाला देख ना, ये नहीं देगा ना तेरे बेटे को मैं छोड़ दूंगी, वो तो बात मेरा घर खराब करोगे, देख रहे हो, ये एक्टिंग चल रहा, तुम्हारे बाप ने भी तो तुम्हारे को दिया होगा, मैंने अभी तुम्हारे को दिया पैसे, इकलौती औलाद हूं उसमें भी तुम मेरे को, अगर मैं घर दे दूंगा तुम्हारे नाम कर दूंगा, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, मैं जाऊंगा कहां बुढ़ापे में, तुम्हारे को जाने के लिए कौन बोल रहा, खाली प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो ना, मैं बिजनेस वगैरह करूंगा, काम वगैरह करूंगा, इकलौती तो हूँ तुम्हारी औलाद, तो कल को तुम्हारा ही तो नाम आएगा, वो और किसके नाम है बताओ, जब आएगा तब, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है तुम्हारा कोई टाका वाका भिड़ा है, कि ये क्या हफ्ते बता, बुड्ढा भाग लेता है यार, क्या पता क्या ही चल रहा है आजकल का जमाना, भी साला कोई भी किसी के कुछ भी नाम कर देता है, मेरे को है ना कुछ नहीं पता, मेरा दिमाग हो रहा पूरा पागल, और मैं हो गया, मेरा साइको दिमाग हो रहा है, ठीक है ना, मुझे चाहिए तो चाहिए, वरना ना दिल कर रहा, बाप नहीं होते ना, तो बेटा इतना गुस्सा मार रहा, चिल्ला रहा, एक हफ्ते से मरे जा रहा था, ठीक है ना, मैं दे चुका हूं तुम्हारे को, दे दे, मुझे कुछ नहीं पता यार, उसको समझा रहा पागल बुड्ढा है, मेरे पास जितना मैं तो दे चुका हूं, क्या नगद, क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है समझ में, ये बताओ तुम, मैं और नहीं दे सकता, नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, ये बताओ, बुड्ढे अभी मेरी बात मान ले, सांस अटकी हुई दे दे, जो मैं कुछ क्या देती हूं, कौन है ये, क्या देती है भैया, हाथ मत लगाओ, ठीक है ना, क्या देती है तू, क्या देती है, मैंने बोला तो क्या देती है, कौन है ये, ओए कौन है, क्या है, क्या क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, क्या चाहिए, दूर हो, क्या चाहिए, दूर हो, बात कर, मेरा बाप है आपको, नो तेरा बाप है ये, हां क्या बोल रहा है, अपने बाप को कब्र में जा चुका है, हमारे कब्र में, तुझे कब्र में मैं पहुंचाऊंगा, इधर आ, इधर तुझे कब्र में, साले तुझे कब्र में, इधर आ, अच्छा भाई रुक जा, साले तुझे कब्र में मैं पहुंचाऊंगा, चल इधर, साले बाप को क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप बोल क्यों रहे हो, ये बताओ, ये कौन है, उसका बाप है, तेरा क्या है भाई, रुक जाओ आराम से बैठ के भी तो बात कर, तेरा कौन है ये, तेरा कौन, ससुर है ना, इधर आ, क्या तेरा ससुर है ना ये, हां है, तो उसने हाथ उठा लिया है, तो शर्म आ रही है, नहीं आ रही, कोई शर्म नहीं आ रही, नहीं आ रही, अपने बाप पे, चुप हो जाए एक मिनट, चुप, अपने बाप पे भी उठाती है हाथ, क्यों मैं अपने बाप पे उठाऊंगी, क्यों उठाऊंगी अपने बाप पे, आराम से यार, लेडीज है, लेडीज है, और ये कौन है, ये बुजुर्ग है, ये कौन है, हाथ मत लगा, ठीक है, हाथ लगाऊं, आराम से बात करो, लात से बात करो, आराम से, भाई आराम से बात कर, ठीक है, आराम से तू कर, भाई हाथ लगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, साले अभी बड़ा भाई बोल रहा है, अभी बाप भी बोल लेगा, मुझे भी बाप बोल लेगा अपना, तू खड़े हो अंकल जी, ये औलाद है आपकी, देख लो लड़का, ओए क्या देख लो, क्या है, क्या देख लो, मैंने तुमसे बात किया, हाँ अभी 3 साल पहले इन्होंने लव मैरिज करी थी, अच्छा लव 3 साल पहले इन्होंने लव मैरिज की, फिर और फिर ये इन्होंने बेटे ने मेरे से कहा कि पापा मेरे को ना पैसे चाहिए थोड़े से, हाँ तो मेरे जो पेंशन के जो थोड़ा रिटायरमेंट के जो पैसे थे, कितने दिन पहले रिटायर आए थे आप, मैं 3 महीने हो गए, अच्छा तो जो पैसे थे तो 50 लाख रुपये मैंने इसको दे दिया, 50 लाख अरे झूठ बोल रहा है,
झूठ बोल रहा, कितने दिए थे भाई? सच बोल। हाँ हाँ भाई। कितने? 50 दिए थे ना? दो दफा करके दिए ना, दो दफा करके। हाँ हाँ। तो दूसरी बार का क्यों नहीं काउंट कर रहा? मेरे थोड़ा ध्यान से निकल गया। अच्छा, तेरे ध्यान से निकल गया था। 25 लाख रुपए का ध्यान है, 25 लाख का ध्यान से उतर गया था। तो बोलो कि वो छोड़ेंगे, बोलो आप। तो अभी अभी ये क्या चाहते हैं आपसे? प्रॉपर्टी में मेरे नाम कर दो, बता बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा मैं? मतलब इन लोगों ने आपको घर से बाहर निकालने का पूरा प्लान बना रखा है इन्होंने तो। मैंने ऐसा नहीं बोला कि इनको घर से निकालने के लिए। इधर आ, इधर आ, इधर निकालने के लिए तो मैंने भैया बोला ही। अरे अरे पहले इधर आ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो ये जो बुड्ढा है ना, सारा काम मेरा, प्रॉपर्टी तेरे नाम करवाऊंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, पैसे कितना मुझे मिलेगा, प्लान क्या है पहले ये बताओ, बाद में इसमें। कोई प्लान नहीं है, प्लान नहीं। क्या होएगा, हमें प्रॉपर्टी अपने नाम चाहिए बस, हम भी तो उनके घर में रह रहे हैं ना। अरे मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करवा दूंगा, अभी तो उनके 50 लाख 50 लाख रुपए है ना तुम्हारे पास? नहीं है, हमने लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया? बिजनेस में लगा दिया हमने, अब नहीं हमारे पास। तो ये बताओ, जैसे कि अभी मैं घर तुम्हारे नाम करा दूंगा, घर कितने पैसों का होगा? 2-3 करोड़ का तो होगा ही होगा। और क्या, तो मेरे को क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? हस्बैंड से बात करना होगा इसके लिए। भाई इधर आ, इधर आ। देख इन्होंने मेरे को सब बता दिया, 50 लाख रुपए तुम्हें बिजनेस में लगा है, इनका प्रॉपर्टी है ना। मैं तुम्हारे बाप से, मैं तुम्हारे घर नाम कराऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा? 20% दे देंगे यार, एक तो जो यार 25%। तो एक काम करते हैं, 2 करोड़ रुपए का घर मान लेते हैं वो। ठीक है, ठीक है। चल मैं 2 करोड़ का मान लेता हूँ। ठीक है, तो एक काम करो, मुझे पता है वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में होंगे, 50 लाख रुपए इधर उधर गए नहीं, किसी बिजनेस में नहीं लगा झूठ। अरे मेरी पहले बात सुनो, मैं तुम्हारे नाम घर कराता हूँ, वो 50 लाख तुम ऐसे कैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, झूठ मत बोलो। बिजनेस वगैरह घर तुम्हारे नाम आ जाएगा, अगर हो गया मेरे नाम, घर तुम्हारे हस्बैंड के नाम अगर हो गया, घर 50 लाख तुम्हारे नाम कर दूंगी, है ना? तुम्हारे पास वो पैसे, कोई बिजनेस नहीं किया ना अकाउंट में, मेरे अकाउंट में है। ठीक है, अच्छा एक बात, अच्छा तुम्हारे अकाउंट में, मेरे अकाउंट। अब घर तुम्हें अपने नाम कराना है, अपने हस्बैंड के नाम कराना है? पक्का? हाँ पक्का, कोई नहीं, हमें ट्रस्ट है। डील डन, डील डन अंकल जी, डील डन हो गई। घर से निकाल लेगा ऐसी डील, हाथ मत लगाओ। जो तुमने मेरे साथ डील करी है ना, अभी ये सब कैमरे में रिकॉर्ड है। उधर ये रहा, इधर आ, इधर आ भाई, इसको बंद करके आए सब। देखो भाई, इन लोगों ने 50 लाख रुपए में डील की है मेरे साथ, अंकल जी का घर अपने नाम कराने के लिए। अंकल जी का जो घर वो 3 करोड़ रुपए का है। अंकल के रिटायरमेंट के 50 लाख रुपए देने के लिए मुझे तैयार हो गए हैं ये, एक सेकंड में कैमरा बंद कराऊं? अरे घर नाम होगा, 50 लाख रुपए नाम हो गए तुम्हारे, अब तो घर भी नाम होगा। अंकल बैठो इधर, फोन निकालो, कॉल करो पुलिस के पास अभी तुरंत। पुलिस के पास अंकल, जल्दी निकालो फोन, पुलिस का चक्कर करवाओ। अभी नहीं मटवाता हूँ। एक तो आपने हम लोग इतना, फोन है तुम्हारे पास या नहीं है? कॉल करो, कॉल करो, जल्दी मिलाओ फोन। अखिलौती औलादो, क्यों किसी तीसरे को बीच में लेके आ रहे हो? हां हेलो पुलिस स्टेशन, सुनो तो मेरी बात, पुलिस को क्या फोन करना है? एक मिनट सुनो तो, फोन तो पहले, चलो हम पैसे वापस कर रहे हैं। हाँ पैसे वापस कर देंगे, लेकिन प्लीज आप अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो बताओ? अच्छा तुम अपने ससुर के साथ कैसे कर सकती हो ऐसे? मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है अंकल, खड़े हो, खड़े हो। तुम लोगों के लिए ना ये मैंने कैमरा लगा रखा है स्पेशल, प्लीज ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट। इनको मैंने बुलाया था, मेरे को रिश्तेदार ने बताया था, समझो आप हमें प्लीज। कैमरा चल रहा है ना भाई, सब रिकॉर्ड हो रहा है, करो प्लीज डिलीट करो यार, कर दो, हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। लाइफ भाई, इसको लाइफ खराब होने की चिंता है अपनी, कि इसकी लाइफ के साथ क्या करे। बाप को बोल रहा है कब्र में जा चुका है, इसको ये नहीं पता, इसको कब्र में तुझे मैं पहुंचा दूंगा कब्र में। हैं माफी मांग तो रहा हूं, तुम्हें भी जाना है कब्र में? मैंने तो ये नहीं, मैंने ये वर्ड नहीं बोला, तेरे पति ने तो बोला। ठीक है सॉरी, तूने लव मैरिज किस लिए की थी? पैसों के लिए की थी? सच बोल। नहीं मुझे तो पता भी नहीं था कि इसके पास इतना कुछ है, सच में प्रॉमिस। इधर आ गया अंकल, आ गया। तूने लव मैरिज क्यों की थी सच बता? मैं तो लड़के से प्यार करती थी, मुझे नहीं पता। झूठ बोल रही है भाई, समझ के नहीं रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हें पैसे का नहीं पता था? नहीं पता था। पैसे ऐड क्या चलिए 50 लाख रुपए, वो ऐड थे क्यों? मैंने नहीं ऐड था, उसका बेटा ने ऐड था। ठीक है, दिए थे मैंने, आगे काम वगैरह करूंगा, बिजनेस वगैरह करूंगा थोड़ा, इसलिए अटके थे, इसलिए अटके थे। तू चिल्ला जा रही है अंकल पे, वो कुछ नहीं है। तो सॉरी,
क्यों चिल्ला रही है? अंकल फोन करो, बुलाओ पुलिस को, इनकी ऐसी तैसी करवाते हैं, छोड़ इसको, क्यों नहीं बुलाना? बुलाओ, फोन करो। बकवास, ओए हाथ दूर, हाथ दूर, बकवास किए जा रही है। पैसे तो तू देगी, तू भाग के देगी पैसे, फोन करो। जान लेगा क्या? जान लेगा? बकवास कर रही है, चिल्लाए जाने लग, शांति शांत नहीं हो रही है, चिल्लाई जा रही है, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, दिखाऊं क्या करके? अंकल पकड़ो इसको, वही इधर आ अंकल, पुलिस पुलिस स्टेशन में चल, आ जाओ अंकल, अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। ओ भाई आ जाओ, कैमरे वगैरह उठा के आओ जल्दी।